उसमें हम लोगों ने दो तीन चीजें करी थी. फर्स्ट वाज दैट देयर बी टॉपिक ऑफ क्या कहते हैं उसको, अमोनिया एंड अमीन्स. तो अमीन्स दे आर गोइंग टू बी मोर बेसिक एज कंपेयर टू अमोनिया. द रीजन बिहाइंड दैट इज दैट इन केस ऑफ अमोनिया, इन केस ऑफ अमीन्स देयर इज एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर इंक्रीज कर देता है, एंड हेंस द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इजीली मूव्ड. ठीक है. सेकेंड जो इसमें था दैट वॉज इफ यू आर कंपेयरिंग इन द गैशियस फेस, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है बिकॉज ऑफ अगेन प्लासा इफेक्ट 3 डिग्री की ज्यादा होती है, फिर 2 डिग्री की और फिर 1 डिग्री की. पर जब हम लोग एक्वस फेस में जाते हैं तो देर आर टू थिंग्स विच आर गोइंग टू गवर्न द बेसिक कैरेक्टर. द फर्स्ट वन दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस. तो ग्रुप्स अगर बड़े हो जाएंगे तो इन दैट केस प्रोटोनेशन जो होती है NH3 की, जो नाइट्रोजन वाला जो है उसकी जो प्रोटोनेशन होगी वो कम हो जाएगी. दैट इज बिकॉज ऑफ बल्कियर ग्रुप्स विच आर प्रेजेंट. ठीक है. और सेकेंड जो था वो था हाइड्रेशन इफेक्ट. तो उस पर क्या होता है कि जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन होती है उतना ही मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है. सो अगर वो ज़्यादा स्टेबल होगा तो इन दैट केस वी से दैट इट शुड बी मोर बेसिक. और थर्डली प्लासा इफेक्ट तो ज़रूर इफेक्ट करता ही है. तो कॉम्बिनेशन अगर हम लोग इन तीन फैक्टर्स के देखते हैं तो इट इज सीन कि 2 डिग्री जो होगा वो सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, फिर उसके बाद इट इज गोइंग टू बी 1 डिग्री एंड देन इट इज 3 डिग्री. बट अगेन क्या एक और चीज़ जो इफेक्ट करेगी, दैट इज अ एल्काइल ग्रुप विच इज अटैच्ड. तो हमने करा कि अगर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, इन केस ऑफ मिथाइल ग्रुप इट इज गोइंग टू बी 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 3 डिग्री. ठीक है. एंड इन केस ऑफ एल्काइल ग्रुप इट इज गोइंग टू बी 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 1 डिग्री. सो ये आपने याद रखना है. ये वाला जो सेक्शन होता है ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन या आपको इसमें एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन. बट व्हाट आई हैव सीन कि लास्ट ईयर वाला पेपर जो अमीन्स का आया है, अमीन्स में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, तो उसमें आपको एक क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का आया था वो ABC वाला आया है, एंड 1 मार्क का क्वेश्चन रीजनिंग क्वेश्चन आया है. ठीक है. सो ABC वाले क्वेश्चन के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको आप बहुत ही अच्छे से स्टडी करना है आपने. और जो अमीन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में रिलेशन रिएक्शंस हैं कि हम अमीन से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो वाले रिएक्शंस भी आपके इंक्लूड किए जा सकते हैं ABC. ठीक है. सो लेट्स गो ऑन टू नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन. द सेकेंड रिएक्शन ऑल्सो वी हैड ऑलरेडी डन द एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन. द थर्ड रिएक्शन विच वी आर गोइंग टू डू टूडे दैट इज नोन एज एसाइलेशन रिएक्शन. एसाइलेशन रिएक्शन क्या होता है, दैट इज द एडिशन ऑफ द एसाइल ग्रुप. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ स्पेशली एनिलिन, तो एनिलिन में जो अमीन प्रेजेंट होता है वो हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप है, राइट. सो जब भी हम लोग सब्सटीट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करेंगे तो हम देखते हैं कि मोस्टली हमारे पास ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट्स बनते हैं. इन ऑर्डर टू गेट अ मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमको डीलोकलाइज करना पड़ता है. तो उसको डीलोकलाइज करने के लिए ये वाली रिएक्शन करते हैं एसाइलेशन रिएक्शन. एसाइलेशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ एन एसाइल ग्रुप. तो ये जब एसाइल ग्रुप ऐड होगा तो आप देखोगे कि देयर इज गोइंग टू बी रेजोनेंस व्हिच इज गोइंग टू टेक प्लेस. और जो लोअर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के ऊपर होते हैं वो बहुत रेडिली अवेलेबल नहीं होते, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डीएक्टिवेट करते हैं इस ग्रुप को ताकि हमें सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स मिले. ओके. सो लेट्स गो ऑन टू द रिएक्शन ओवर हियर. वी हैव C2H5 NH2. ठीक है. और इसके साथ हम रिएक्ट कर रहे हैं एसिटाइल क्लोराइड Cl. ओके. अब व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा सॉरी ये जो बॉन्डेड पाई बॉन्ड है क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये उसकी तरफ को शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कार्बन के ऊपर वो कम हो जाएगी. तो ये वाला जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये अटैक करेगा दिस कार्बन एटम. ठीक है. सो सच दैट व्हाट आर वी गोइंग टू गेट ओवर हियर, वी आर गोइंग टू गेट एन एडिशन प्रोडक्ट व्हिच इज C2H5NH, H with a positive charge and CO with a negative charge,
CH3 and Cl. Right? So this is going to be the addition product which we are getting over here. Ab yaha se HCl that is going to be removed. So jab HCl yaha se remove hoga, to what is going to happen? Ye apne electrons chhod dega iske upar. Theek hai? Yaha se ye wala bond yaha chala gaya. Aur chlorine bhi nikal gaya aur HCl bhi nikal gaya. Theek hai? So what do we have over here now? We are going to have C2H5MH double bond C CH3 double bond O plus HCl. So C2H5NHCOCH3, this is N ethyl ethanamine. ठीक है, CH3CONH है ना, so that is amine. CH3CONH बन रहा है, that is going to be amine. So this is N ethyl ethanamine. This is going to be the name. अब ये वाली जो reaction है, that is going to take place in presence of a base. Why in presence of a base? Because जो वहाँ पे HCl present है, उसको neutralize करना है. तो इसलिए generally इसको हम लोग reaction को करते हैं in presence of a stronger base than amine. So mostly you will see कि books पे जो दिया गया है, the reaction that is going to take place in presence of pyridine. Right? So pyridine का function क्या रहेगा? That it is going to remove HCl from the reaction mixture and make it neutral. Okay? So let's do this reaction with C6H5 also. Right? So resonating structures तो इसके बनेंगे, but उससे पहले हम लोग attachment इसकी इसी तरह से show कर रहे हैं. So we have C, CH3, Cl, double bond O. Okay? So same, this is going to go here, this is going to attack here. ठीक है? So we have over here now an addition product. ये आ गया हमारे पास. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज दैट इज गोइंग टू बी ऑन नाइट्रोजन. राइट, और फिर उसके बाद HCl रिमूव हो जाएगा एंड वी आर गोइंग टू गेट एन एरोमेटिक प्रोडक्ट. एन फिनाइल इथेनामाइन. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी एन फिनाइल इथेनामाइन. और इसका जो कॉमन नेम है दैट इज गोइंग टू बी एसिटाएनिलाइड. राइट, सो ये वाली जो रिएक्शन है दिस इज गोइंग टू बी क्या कहते हैं, एसाइलेशन रिएक्शन. बेसिकली ये रिएक्शन हम लोग यूज करते हैं फॉर डी एक्टिवेटिंग द अमीन ऑन द बेंजीन रिंग. राइट, देन वी गो ऑन टू द फोर्थ रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. द फोर्थ रिएक्शन व्हिच वी हैव दैट इज कार्बाइल अमीन रिएक्शन. अब कार्बाइल अमीन रिएक्शन में जो एलिफैटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स होते हैं सिर्फ वही ये वाली रिएक्शन देते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी अ टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन्स. आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं इसको, कार्बाइल अमीन टेस्ट भी बोलते हैं. इसमें बेसिकली जो कार्बाइल अमीन्स होते हैं उसे रिएक्ट किया जाता है विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, सो वी आर मेकिंग द मीडियम बेसिक और उसके बाद उसको हीट किया जाता है एंड आफ्टर हीटिंग वी आर गोइंग टू गेट अ फाउल स्मेलिंग लिक्विड व्हिच इज एल्काइल आइसोसाइनाइड और दिस इज ऑल्सो नोन एज कार्बाइल अमीन. ठीक है, एंड विद दिस ऑफ कोर्स जो बाय प्रोडक्ट होंगे दैट इज गोइंग टू बी केसीएल प्लस 3H2. इज इट क्लियर? सो ये वाला जो टेस्ट है दिस इज ओनली गिवन बाय द प्राइमरी अमीन्स एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन. फिर फिफ्थ रिएक्शन जो होता है दैट इज गोइंग टू बी रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड.
reaction with HNO2 with nitrous acid. So nitrous acid के साथ again primary amines की पहले हम लोग reaction करते हैं, तो वो nitrous acid के साथ react करके हमें देता है aliphatic diazonium salts. ये reaction हमने hello alkanes में करी है, preparation of diazonium salts. So the first reaction that what we are going to do is that is of primary amines. Right? So primary amines हमारे पास क्या आ गए? We are taking RNH2 plus HNO2. Reaction will take place in presence of NaNO2 and HCl. So this is going to give us RN2Cl. This is alkyl diazonium chloride. ठीक है? और फिर उसके बाद जब हम इसको वाटर के साथ वार्म करते हैं, that is going to give us ROH plus nitrogen plus HCl. Right? So this is one method to prepare alcohols from amines. उसी तरह से second अगर हम लोग aromatic amines ले लें, aromatic amines में benzene diazonium chloride बन जाएगा, ठीक है? So we taking over here aniline. Reaction with HNO2 again in presence of NaNO2 and HCl, this is going to give us benzene diazonium chloride, ठीक है? और फिर इसको अगर हम लोग वाटर के साथ वार्म करते हैं, we are going to get phenol. ठीक है, so this is going to be the reaction. Secondary and tertiary जो है, वो react करते हैं in a different manner. तो इसका मतलब ये वाला भी जो distinction test हो सकता है between primary, secondary and tertiary, तो ये वाली जो reactions हम लोग show कर रहे हैं, they are only going to be given by primary. ठीक है, then the sixth reaction which we are going to do, that is reaction with aryl sulfonyl chloride, जो कि मैंने आपको कल बताया था, Hinsberg reagent. ठीक है, so we are going to do reaction with aryl sulfonyl chloride. Reaction with aryl sulfonyl chloride. ये जो aryl sulfonyl chloride है, इसको हम लोग Hinsberg reagent भी बुलाते हैं. और ये वाली जो reaction है, ये सिर्फ मतलब सिर्फ तो क्या बोल सकते हो? आप ये बोल सकते हो कि तीनों अलग-अलग तरह से react करते हैं. Tertiary इसमें react नहीं करता है. Tertiary does not give this reaction. ठीक है? Primary और secondary देते हैं, but in both the cases the products they are going to be different. So this can be used as a distinction test between primary, secondary and tertiary. So what is benzene या aryl sulfonyl chloride? That is going to be, let's, we are taking the reaction of primary first. S, ये वाली reaction भी important है. Cl, this is aryl sulfonyl chloride. ठीक है? इसको हम लोग react कर रहे हैं primary amines के साथ. C6H5, ठीक है? फिर उसके बाद we will see कि यहाँ से ये HCl निकल जाता है और जो product हमारे पास बनता है you can take over here primary amine. Let's take primary amine over here, ठीक है? So we are going to get this. Right? Now, ये जो product हमारे पास बना, this is N-methyl benzene sulfonamide. ये sulfa drugs जो होते हैं ना, जो medicines use होते हैं, उसमें ये एक major component होता है. N-methyl benzene sulfonamide. Right? अब ये जो primary amine के साथ जो हम reaction कर रहे हैं, तो what can you see over here?
कि प्रोडक्ट के पास ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है राइट नाउ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस हाइड्रोजन ये जो कंपाउंड होगा दैट इज गोइंग टू बी सॉल्युबल इन एल्कली ठीक है सो NaOH के अंदर डालेंगे अगर हम तो दिस इज गोइंग टू बी सॉल्युबल अगर हम लोग लेते हैं सेकेंडरी अमीन सो सेम वी आर टेकिंग ओवर हियर हिंसबर्ग रिएजेंट This is your secondary amine. उसी तरह से यहां से ये HCl निकल गया ठीक है और we are going to get NN dimethyl benzene sulfonamide. ठीक है अब यहां पे आप देख रहे हो कि देयर इज नो हाइड्रोजन लेफ्ट ओवर हियर राइट सो ये जो यहां प्रोडक्ट बनेगा दिस इज गोइंग टू बी इनसॉल्युबल इन एल्कली सो दिस गिव्स अस अ डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो टर्शरी होते हैं बिकॉज टर्शरी के पास कोई भी हाइड्रोजन है ही नहीं प्रेजेंट तो वो ये फर्स्ट वाली रिएक्शन भी अंडरगो नहीं करते तो वी कैन से दैट टर्शरी दे डू नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट ठीक है सो प्राइमरी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है टू गिव अस अ प्रोडक्ट जो कि सॉल्युबल है एल्कली में सेकेंडरी रिएक्ट कर रहा है टू गिव अस अ प्रोडक्ट जो इनसॉल्युबल है एल्कली में और टर्शरी जो है दैट डज नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट एट ऑल ठीक है सो दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो अ टेस्ट फॉर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी देन लेट्स गो ऑन टू द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अमीन्स सो वी आर गोइंग टू द सेवंथ रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है एज आई जस्ट टोल्ड यू कि जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो जो अमीन होता है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिवेटेड ग्रुप होता है तो वो तीनों पोजीशंस को दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन को हाईली एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट वी आर मोस्टली गोइंग टू गेट अ ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ओवर हियर जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ब्रोमिनेशन कर रहे हैं ब्रोमिनेशन करने पे हमारे पास वी आर टेकिंग एनिलिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके हमने ऑलरेडी कर लिए हुए हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएगा बिकॉज इसके पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल गेट डीलोकलाइज्ड एंड द नेगेटिव चार्ज दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द ऑर्थो एंड द पैरा पोजीशन नाउ इलेक्ट्रोफाइल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है देयरफॉर दैट विल गो एंड अटैक एट द ऑर्थो एंड द पैरा पोजीशन राइट सो वी हैव ओवर हियर द रिएक्शन इन दो तरह से रिएक्शन हम कर रहे हैं पहले हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं इन ब्रोमीन वाटर राइट सो इन केस ऑफ ब्रोमीन वाटर वी आर गोइंग टू गेट टू फोर सिक्स ट्राई ब्रोमो एनिलिन टू फोर सिक्स ट्राई ब्रोमो एनिलिन ठीक है सो एरोमेटिक रिंग्स जो है वो बहुत ही हाई रिएक्टिविटी है In order to decrease its reactivity, हमको acetylation करनी पड़ती है. So let's see कि हमको अगर सिर्फ mono substituted product चाहिए, तो वो हमें कैसे मिलेगा? जैसे हमने acetylation अभी करी थी. Acetylation can be done either in presence of acetyl chloride या in presence of acetic anhydride. Acetyl group पर हमने attack करना है, ठीक है? और reaction जो है, that is going to take place in presence of a stronger base. Then aniline itself. So we are taking over here pyridine, right? So what is the product which we are going to get over here? This is going to be the product. Okay? So this is N-phenyl ethanamide, right? अब यहाँ पे delocalization जो है That is going to take place. So let's see what is happening over here. यहाँ पे ये lone pair of electron जो है ये delocalize हो जाएगा. यहाँ से ये यहाँ चला जाता है और ये यहाँ चला जाता है.
ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू बी अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ और रेजोनेंस. इट हैज टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. व्हाट आर वी गोइंग टू गेट ओवर हियर. ये आ गया हमारे पास ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाता है. ठीक है. तो आप क्या देख रहे हो इधर कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट था जो कि बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है उसको क्या हो गया दैट गोस इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव चार्ज. देयर इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज प्रेजेंट ओवर हियर. सो दिस रिएक्शन दैट इज गोइंग टू डीएक्टिवेट द क्या कहते हैं द बेंजीन रिंग. ठीक है. सो अब जब हम इसकी ब्रोमिनेशन करेंगे दैट इज ओनली गोइंग टू गिव अस वन प्रोडक्ट व्हिच इज अ मेजर प्रोडक्ट दैट इज पैरा ब्रोमो एनिलीन. राइट. सो फर्दर व्हेन दिस इज रिएक्टेड विद ब्रोमीन दिस इज गोइंग टू गिव अस ब्रोमीन विल अटैक एट द पैरा पोजिशन. अब हमको ये जो एसिटाइल ग्रुप है इसको रिमूव करना है तो हम बेसिक या एसिड मीडियम में इसको रिएक्ट करते हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी रिमूव्ड फ्रॉम योर द एसिटाइल ग्रुप और हमारे पास आ जाता है पैरा ब्रोमो एनिलीन. ठीक है. सो जहां पे भी हम लोग मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स करेंगे इन ऑल दोस केसेस हमको पहले एसिटाइलेशन करनी पड़ेगी तभी हम लोग पैरा पोजिशन पे ब्रोमीन को या कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो है उसको कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं. ठीक है. सो लेट्स गो ऑन टू द सेकेंड रिएक्शन. द सेकेंड रिएक्शन दैट इज नाइट्रेशन रिएक्शन. नाइट्रेशन रिएक्शन. नाउ इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट ओवर हियर दैट जब भी हम लोग नाइट्रेशन रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ट्राई सब्स्टिट्यूटेड की जगह हमारे पास तीन प्रोडक्ट्स बनते हैं व्हिच इज पैरा मेटा एंड ऑर्थो. जनरली जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं जैसे कि NH2 इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं दे आर गोइंग टू बी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग. But we will see over here that a major amount of beta product is also formed, right? So let's see the reaction first. Then I'll give you the reason why this happens. So ये आ गया हमारे पास aniline, right? और हम लोग react कर रहे हैं nitrating mixture के साथ HNO3 H2SO4 at a temperature of 288 Kelvin, right? तो ये हमें क्या देता है? A mixture of पैरा नाइट्रो एनिलीन प्लस मेटा नाइट्रो एनिलीन प्लस ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन. ठीक है. पैरा ऑफ कोर्स इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट. 51% हमारे पास आता है पैरा. ठीक है. और जो मेटा है सरप्राइजिंगली मेटा का अमाउंट इज ऑल्सो नॉट लेस 47% एंड ऑर्थो इज ओनली 2%. अब क्वेश्चन क्यों आता है क्या आता है इसमें कि ऑल्दो NH2 इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट स्टिल वाई 47% ऑफ मेटा प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग नाइट्रेशन. ठीक है. सो उसमें बेसिकली क्या लिखना है आपने कि ये जो NH2 ग्रुप यहाँ पे है क्योंकि हम लोग रिएक्शन को इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कर रहे हैं तो यहाँ पे एक आयन बन जाता है विच इज गोइंग टू बी द एनिलीनियम आयन. सो वी हैव ओवर हियर NH2 एसिड में से इट इज गोइंग टू टेक H पॉजिटिव एंड फॉर्म एनिलीनियम आयन विच इज NH3 पॉजिटिव. ठीक है. अब ये जो एनिलीनियम आयन यहाँ पे बना ये मेजरली मेटा डायरेक्टिंग है तो इसलिए जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा दैट इज गोइंग टू अटैक एट द मेटा पोजिशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द एनिलीनियम आयन. ठीक है. सो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब अगर सिर्फ हमको पैरा चाहिए तो पैरा के लिए हमें क्या
करना पड़ेगा, पहले इसकी एसिटाइलेशन करनी पड़ेगी जैसे कि हमने ब्रोमिनेशन में करी थी, फिर उसके बाद उसकी हम नाइट्रेशन करते हैं। नाइट्रेशन करके यहां पर सिर्फ पैरा प्रोडक्ट आ जाता है, फिर उसको एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं या बेस के साथ रिएक्ट करते हैं सो एज टू रिमूव द एसिटाइल ग्रुप। ठीक है, सो द सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड जैसे हमने ब्रोमिनेशन में करी। So we have over here NH2 reacted with acetic anhydride, get acetyl product, NH2COCH3, ठीक है, where we have a lone pair of electrons over here in NH, right? और फिर उसके बाद हम इसकी nitration करते हैं, तो हमारे पास सिर्फ para product जो है वो major product आ गया, और फिर इसको हम लोग acid या basic medium में react करते हैं। जब एसिटाइल ग्रुप यहां से निकल जाएगा और हमारे पास आ जाता है पैरा प्रोडक्ट, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी रिएक्शन। द थर्ड रिएक्शन विच वी आर गोइंग टू डू दैट इज सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन का मतलब हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनाइल ग्रुप। ठीक है, सो यहां पे क्या कहते हैं, जब हम लोग रिएक्ट करते हैं एनिलिन को, विद H2SO4 दिस इज गोइंग टू गिव अस एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फाइड एज सॉरी एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट एज एन इंटरमीडिएट। Known as anilinium hydrogen sulfate, positive and negative. फिर उसके बाद इसकी rearrangement होती है at a temperature of 453 Kelvin. Okay, so we are going to get over here SO3H. Sulfanilic acid. Sulfanilic acid और ये जो sulfanilic acid है फिर उसके बाद ये बनाता है zwitterion. Hydrogen आप देख रहे हो that is going to shift, so we are going to get over here a zwitterion. Got it? Zwitterion. Now over here remember कि जो aniline होता है that is not going to undergo Friedel-Crafts reaction. क्यों ये Friedel-Crafts reaction नहीं करता है? क्योंकि ये एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ जो हेलोजन कैरियर हम यूज करते हैं उसके साथ ये सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेता है, इसलिए इट डज नॉट अंडरगो द Friedel-Crafts एल्काइनेशन एंड एसिटाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, सो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ अमीन्स। सेकंड सेक्शन जो हमारे पास आता है दैट इज गोइंग टू बी डाइजोनियम सॉल्ट्स। सो डाइजोनियम सॉल्ट्स की आपने ऑलमोस्ट सारी रिएक्शंस करी हुई है, आई डोंट थिंक कि देयर इज नीड टू डू देम ऑल अगेन, राइट? सो वहां पे हम लोगों ने अभी प्रेपरेशन हम लोगों ने करी थी, वी जस्ट डन इट। तो प्रेपरेशन में हमने क्या किया कि वी हैव डन द फॉर्मेशन ऑफ द डाइजोनियम क्लोराइड, जब हम लोग HNO2 के साथ एनिलीन को रिएक्ट कर रहे हैं, जस्ट नाउ वी हैव डन दैट रिएक्शन। उस रिएक्शन को हम क्या बुलाते हैं, द रिएक्शन दैट इज नोन एज डाइएज़ोडाइजेशन रिएक्शन। ठीक है,
सो वो भी एक क्वेश्चन आपको आता है डायएसिटाइजेशन रिएक्शन इज गोइंग टू बी व्हाट कि जब हम एनिलीन को रिएक्ट करते हैं विद HNO2 इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 एंड HCl ठीक है सो केमिकल प्रॉपर्टीज में जब हम लोग जाते हैं तो वी हैव डन द केमिकल प्रॉपर्टीज वी हैव डन द सैंडवेयर्स रिएक्शन जिसमें हम लोग एल्काइल सॉरी एराइल हैलाइड्स प्रिपेयर कर रहे हैं वी हैव डन द गेटरमैन रिएक्शन सो उसमें दोनों में फर्क सिर्फ क्या है कि जो सैंडवेयर्स रिएक्शन हम करते हैं सैंडवेयर्स रिएक्शन में जो हम रिएजेंट्स यूज करेंगे दैट इज गोइंग टू बी CuCl2 इन प्रेजेंस ऑफ जो भी आपको अगर क्लोरो बनाना है तो HCl लेते हैं अगर ब्रोमो बनाना है तो HBr लेते हैं ठीक है पर उससे हम लोग प्रिपेयर सैंडवेयर रिएक्शन से हम लोग आइडो और फ्लोरो जो है वो प्रिपेयर नहीं कर सकते गेटरमैन रिएक्शन में हम लोग रिएजेंट चेंज कर देते हैं वी आर यूजिंग कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HCl अगर हमें क्लोरो बनाना है एंड कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HBr अगर हमें ब्रोमो बनाना है ठीक है फिर उसके बाद हम लोग अगर हमको आइडो बनाना है तो हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हैं अगर हमें फ्लोरो बनाना है तो हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को HBF4 के साथ रिएक्ट करते हैं ठीक है सो ऑल दीज रिएक्शंस वी हैव ऑलरेडी डन जब हमने एल्काइल और एराइल हैलाइड्स करा था यहाँ पे जो एक रिएक्शन हम लोगों ने उस दौरान नहीं करी हुई है दैट इज रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइएज़ो ग्रुप सो दिस इज द सेकेंड काइंड ऑफ रिएक्शंस So this is, I am doing partly benzene diazonium chloride over here. Mostly I have done it, all the reactions we have done already जब हम लोगों ने alkyl halides करे थे. So अगर आपको ये वाले करने देखने हैं, so you can go on to those videos जिसमें हम लोगों ने alkyl और aryl halides already करे, ठीक है? So यहाँ पे हम लोग एक reaction जो हमने इस वक्त नहीं करा है, that is reaction involving retention of the diazo group. और इन reactions को हम क्या बुलाते हैं? Coupling reactions. In these reactions, different color dyes they are going to be formed and they can also be taken as a distinction test for the functional groups. जैसे for example, हम लोग coupling reaction करते हैं phenol के साथ या हम लोग करेंगे aniline के साथ. So let's see what is going to be the reaction over here. This is benzene diazonium chloride. We are doing the reaction with phenol. आ गया H यहां से HCl जो है वो निकल जाएगा सो ये डायएज़ो ग्रुप N ट्रिपल बॉन्ड N वाला जो ग्रुप होता है उसको हम डायएज़ो ग्रुप कहते हैं यहां पे ये जो डायएज़ो ग्रुप है ये रिटेन हो जाता है ठीक है सो दिस इज गोइंग टू गिव अस एन ऑरेंज कलर डाई para hydroxy azo benzene and this is going to be a orange color dye so agar hum benzene diazonium chloride ko sample ke sath react kar rahe hain aur hamare paas orange color ka dye aa raha hai iska matlab jo sample humne diya hai that is going to be phenol okay let's go on to the second reaction over here एनिलिन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं हम ठीक है सो दिस इज गोइंग टू बी नोन एज पैरा अमीनो HCl निकल जाता है इसमें भी राइट सो दिस इज गोइंग टू बी अ येलो डाई ठीक है इट्स द सेम काइंड ऑफ रिएक्शन सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर राइट अब यहां पे अगर हम लोग इंपॉर्टेंस देखें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयडो साइनो किसी की भी आपको वो करनी है नाइट्रो फिनोल एरोमेटिक रिंग में इंट्रोडक्शन करनी है उनकी तो उसके लिए हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से करते हैं फिर साइनो ग्रुप जो है
जब भी हम लोग देखते हैं कि जो aryl fluorides है और iodides है उनको हम लोग डायरेक्ट हैलोजिनेशन के साथ नहीं प्रिपेयर कर सकते बिकॉज़ इस आयोडो के लिए आपको पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करना पड़ता है और फ्लोरो के लिए हमें HBF4 के साथ सो सैमुअल रिएक्शन जो है वो सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है टू क्लोरो एंड ब्रोमो ओके सो सेम इज द केस ऑफ गेटरमैन गेटरमैन रिएक्शन में भी हम लोग सिर्फ क्लोरो और ब्रोमो ही बना सकते हैं ओके फिर उसके बाद साइनो ग्रुप को नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते हम सब्स्टिट्यूशन ऑफ डायरेक्टली अगर हमको सब्स्टिट्यूशन करनी है और रिप्लेसमेंट ऑफ डाई एज अ ग्रुप बाय अदर कंपाउंड्स दैट आल्सो हेल्प्स अस टू फॉर्म डाइज सो दीज आर गोइंग टू बी द इंपॉर्टेंट सो विद दिस वी फिनिश दिस चैप्टर मींस